सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरबक वर्ल्ड हिंदी को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा माल ऐसा चाहिए, ये बंच इसको ज्यादा डिमांड, ये जितना लंबाई अच्छा उतना मार्केट ज्यादा मिलता है। आज है 21 जनवरी 2018 और अभी हमें नासिक जिले में ये अंगूर का बाग देख रहे हैं। बहुत शानदार अंगूर लगा हुआ है और इसमें जैविक गतिविधियां भी हो रही हैं और इन्हीं के वजह से आप देखिए कि अंगूर में पास आइए और थोड़ा सा और पास आइए। ये देखिए अंगूर में जो है अंगूर का वजन और बहुत बढ़िया। मिताली तुमको कैसा लगा अंगूर? बहुत अच्छा। जी जी अच्छा जो किसान, मैं पहली बार देख रही हूँ किसान को, बोला किसान के बगीचे में पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। और इसमें जैसा कि मुझे पता चला है कि जैविक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं तो निश्चित ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। हाँ पत्तियों का देखिए बिल्कुल डार्क, पत्तियों में जो डार्कनेस एकदम डार्क हरा है ना। ये इधर देखो, ये तो लगभग पकने को तैयार है, इसमें धूप ज्यादा गिर रही है। अच्छा अच्छा इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये ना खुला है, ना खुला है इस वजह से। अच्छा अच्छा छाया रहता तो ऐसा रहता। हाँ सर जी उसको बर्निंग जाती थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एनपीके और बहुत सारी ऐसी चीज हैं, अमृत जल, पंचगव्य, पंचगव्य घोल, रस रसायन, सडरस, इन सभी चीज़ों से जो और जैविक खेती होती है उसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। और हर चीज़ों पे मैं खासकर मेरा ये मानना है कि सभी किसान भाई जैविक गतिविधियों पे जरूर आए और इन सभी चीज़ों का उपयोग करके देखें, चाहे थोड़े से एरिया पे करें, थोड़ा सा अपना अगर आपके पास एक एकड़ है तो उसमें से 1/4 25% भाग लेकर के और उसमें जैविक चीज़ों का उपयोग करके देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि रिज़ल्ट कैसे मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही डाल दी, अमृत जल, इन सभी का ज़रूर आप उपयोग करके देखें और आपको निश्चित बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और ऑर्गेनिक खेती करें, विष मुक्त कृषि करें, कृषि के अंदर जो विष जहर भर चुका है उसको हमें साफ करना है और सभी किसान भाई इसमें सहयोग करें, उनको निश्चित 100% बहुत अच्छा लाभ होगा। क्योंकि जो रासायनिक खाद हम डालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी ज़मीन को भी होता है, भूमि को भी, और उसके साथ साथ हमारी फसल को भी नुकसान होता है और हमको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सभी का एक ही उपाय है, जैविक खेती। जय हिंद, वंदे मातरम।